सत श्री अकाल, मैं सिमरन तुहाडे सब दा स्वागत करदी हां। एक बार दी गल है, श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा करदे करदे एक दिन समंदर दे कंढे डेरा लाई बैठे मुकदम फकीर कोल पहुंचे। गुरु साहिब जदों उत्थे पहुंचे तां ओह की देखदे ने कि फकीर जमीन ते नहीं बल्कि हवा दे विच बैठे हुए सी ते ओह अपनियां अलौकिक शक्तियां दा प्रदर्शन कर रहे सी। उस फकीर नूं देखण लई लोग दूरों दूरों इकट्ठे हुए सन ते उस दीआं इह अलौकिक शक्तियां वेख के लोग हैरान हो रहे सी। फकीर मुकदम ने इह शक्तियां बहुत ही कड़ी तपस्या करके हासिल कीतीआं सी ते जदों गुरु साहिब उत्थे पहुंचे तां जदों फकीर ने उन्हां नूं वेख्या तां उसने सब तों पहलां गुरु साहिब अगे हथ जोड़ के नमस्कार कीता ते उन्हां नूं बैठण लई कहा। गुरु साहिब उन्हां नूं नमस्कार करके एक पासे जाके बैठ गए ते उस दीआं अलौकिक शक्तियां दा प्रदर्शन वेखण लगे। इन्ने चिर च ही कुछ अजिहा होया कि हर जगह भगदौड़ मच गई। सामने वाली मस्जिद जोर जोर दी हिलण लगी ते लोकां नूं लगा कि भूचाल आ गया ते लोकां नूं अपनी जान दी पै गई ते अपनी जान बचाण लई लोक इधर तों उधर जोर जोर दी भज्जण लगे। मुकदम फकीर उच्ची उच्ची बोलण लगा कि तुहानूं सब नूं डरन दी जरूरत नहीं, जदों तक मैं इत्थे हाँ तुहाडा कुछ नहीं विगड़ सकदा, तुसीं फिकर ना करो। इन्ना कह के मुकदम फकीर ने अपनियां अखां बंद कर लिया, अगे परमात्मा अगे अरदास कीती। उसकी अरदास परमात्मा ने प्रवान की, भूचाल रुक गया, मस्जिद डिगन तो बच गई। ए वेख के लोग शांत हो गए अते लोका ने फकीर नू पुछया कि फकीर जी तुसी अजिहा की कीता कि ए चमत्कार हो गया, मस्जिद हिलणों बंद हो गई, डिगी नहीं। तां फकीर हसण लगा अते कहण लगा कि ए सब मेरा चमत्कार है, मेरिया अलौकिक शक्तियां दा चमत्कार है। जेकर मैं अज इत्थे ना हुंदा तां भूचाल नू कोई नहीं सी रोक सकता। ए सुन के लोग फकीर दी जय जयकार करन लगे ते फकीर खुश हो गया। एने देर च फिर कुछ अजिहा होया कि लोका ने फकीर दी जय जयकार करनी बंद कर दित्ती। हवा विच बैठा फकीर नीचे जमीन ते आ डिग्गा सी। ए वेख के लोग हैरान रह गए ते फकीर नूं भी समझ नहीं सी आ रहा कि ये सब कुछ की हो रहा है। उसने अपनियां अलौकिक शक्तियां दा बहुत इस्तेमाल किया पर फिर भी वह कामयाब ना हो सकिया। बहुत सारिया कोशिशा करन तो बाद उसका ध्यान गुरु साहिब वल गया तो उसने गुरु साहिब अगे हाथ जोड़े अते कहन लगा कि गुरु साहिब जी जदों तुसी इत्थे आए सी तां मैं तुहाडे चेहरे दा नूर वेख के ही समझ गया सी कि तुसी कोई आम इंसान नहीं, कोई पहुंचे हुए संत हो। तुसी ही मैनू दसो कि यह सब कुछ मेरे नाल की हो रहा है। तो गुरु साहिब उस नूं कहन लगे कि तुसी अपने शरीर नूं बहुत कष्ट दे के, भुखे रह के अपने शरीर नूं कष्ट दे के तुसीं इह अलौकिक शक्तियां प्राप्त कीतियां ने। तुसीं जदों परमात्मा अगे अरदास कीती तां उन्हां ने तुहाडी अरदास कबूल कीती अते मस्जिद बच गई, डिग्गी नहीं। पर इन्हां सब दे विच तुहाडे विच मैं सी ते जिस इंसान दे विच मैं आ जांदी है, होमे आ जांदी है, उह कदे भी सफल नहीं हो सकता। तुसीं इन्हां अलौकिक शक्तियां नूं पाउण लई बहुत तपस्या कीती है। जेकर इनी तपस्या तुसी परमात्मा नूं पाउण लई करदे तां ओह वी तुहानूं मिल जांदे, पर तुहाडे अंदर मैं आ गई सी। इस करके कदे वी सानूं मैं होमे अपने अंदर नहीं लियानी चाहीदी। इंसान जदों भी कोई चंगा कर्म करता है तां जदों उस दे विच मैं आ जांदी है तां ओह सारे ही पाणी विच वह जांदा है, उस दे चंगे कर्म कदे वी कबूले नहीं जांदे। अजिहा ही तुहाडे नाल होया है क्योंकि तुहाडे विच होमे आ गई सी ते परमात्मा उत्थे कदी नहीं वसदे जिथे कि होमे आ जांदी है। गुरु साहिब दी ये गल सुन के फकीर ने उन्हां अगे हाथ जोड़ दिते अते उन्हां तो आशीर्वाद लिता कि कदे भी उस दे विच होमे ना आवे। सानू इस साखी तो यह शिक्षा मिलती है कि जदों भी असी कोई चंगा कर्म करते हाँ तो उस दे विच सानू कदे भी ये नहीं कहना चाहिए कि यह सिर्फ मैं ही कर सकता सी या फिर ये मैं कीता है। सानू कदे भी होमे विच नहीं आना चाहिए, हमेशा ही अपने अंदर निम्रता रखनी चाहिए है, ताही तुसी परमात्मा नू पा सकते हो। अजिहियां ही होर साखियां सुनन दे लई देखते रहो सिख यूनिवर्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।